वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। एक ऐसा स्वाध्याय प्रेमी जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का तलस्पर्शी अध्ययन कर चुका है, ऐसे व्यक्ति का नाम है आत्मयोगी श्री शिरीष मुनि जी मारासा। सामायिक के 32 दोषों के बारे में, सामायिक की साधना कैसे करनी चाहिए इसका प्रयोग हमने किया, और सामायिक में हम संकल्प करते हैं मन से, वचन से, काया से, कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कर्म का बंधन हो। लेकिन फिर भी जीव प्रमाद में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, आदतवश कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से कर्म कर लेना। इसलिए हमारा संकल्प है करूँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं मन से, ऐसे ही करूँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं वचन से, फिर करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदू नहीं। अब श्रावक का 2 करण 3 योग का है चाहे, लेकिन मूल रूप से जहाँ कर्म बंधन होते हैं, बंधन होते हैं। अब उससे बचना कैसे, दोष का पता है का पता होगा तो हम उससे बच पाएंगे। इसलिए ये बताया कि 32 दोषों में से कौन कौन से दोष श्रावक को संभवतः लग सकते हैं। हमारा जो प्रत्याज्ञान है करना, कराना, अनुमोदना, ऐसा नहीं मन वचन काया तीनों साथ मिलेंगे तभी होगा। मन ही मन भी कर्म हो जाते हैं, मनीमम करते हैं, मनीमन कराते हैं, मनीमन अनुमोदना कर देते हैं, मनीमन वचन से करते हैं, वचन से कराते हैं, वचन से ही अनुमोदना कर देते हैं, यहाँ कर्मबंधन हो गया। ऐसी काया से करते हैं, काया से कराते हैं और काया से ही अनुमोदना कर देते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में कैसे कर्म से रुका जाए और कैसे कैसे कर्म बंधन हो सकते हैं, ये 10 मन के 10 वचन में बताया। आज हम 12 काया की बात करेंगे। आसन पर वैसे तो एक आसन पर स्थिर बैठना चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति ध्यान नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, तो अयोग्य आसन में बैठ जाता है जो अहंकार का पोषण करता है। गुरुजन बैठे हैं, अन्य जन बैठे हैं, उनके सामने अपने अहम को पोषण करने वाला जो आसन है, पांव पे पांव चढ़ा करके बैठना, इस तरह से बैठना जैसे कि अहंकार पोषण कर रहा हो, ऐसे बैठने से गुरु के समक्ष पांव पर पांव चढ़ा कर बैठना आदि ये अयोग्य आसन है। योग्य आसन क्या है? पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस आसन में लंबी देर तक आप सुखपूर्वक बैठ सको और ध्यान समाधि में रह सको, वो है योग्य आसन। चलासन, आसन आपका स्थिर होना चाहिए। जब तक गड़ा स्थिर नहीं होगा तो अंदर का पानी भी स्थिर, अंदर की गंदगी वापस उठती रहेगी। तो हमारा गड़ा क्या है? ये हमारा शरीर है। शरीर को हम एक आसन में स्थिर बिठाएं, जहाँ तक हो सके स्थिरतापूर्वक बैठें। लेकिन चलासन में हम क्या करते हैं, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी उसके साथ जाके बात की, कभी उसके साथ जाकर बात की, एक आसन में स्थिर नहीं बैठते हैं तो वो चलासन दोष लगता है। तीसरा है चल दृष्टि दोष। दृष्टि सामायिक में दृष्टि किस पे होनी चाहिए? या तो आँखें बंद करके अपनी आत्मसमाधि में रहें, या फिर गुरुजनों का प्रवचन सुन रहे तो गुरुजनों की तरफ रहें, स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय की तरफ रहे। लेकिन हम इस वातावरण में क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, इधर उधर देखते रहते हैं, चलते रहते हैं, इससे क्या होता है, हम बहिर्मुखी होते हैं और अपनी दृष्टि का चल दृष्टि का दोष लगता है। सावध्य क्रिया, सामयिक में कोई ऐसी सावध्यकारी पापकारी क्रिया न करें जिससे हमारे कर्म का बंधन हो काया से। अवलंबन दोष, तो सामान्य रूप से तो सारा लेना नहीं स्वस्थ व्यक्ति ने, और आसन क्या करना, कमर सीधी करके बैठना, कोई भी आसन लो, कमर सीधी रहेगी तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी जाएगी, आत्मा की ओर जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। कमर नीची रही, जहाँ से आपकी कमर झुकी वहाँ पे आपको बीमारी हो जाएगी, क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा जो ऊर्ध्वगामी ऊंची की नीचे से ऊपर जाती है, जो हम सांस लेते हैं तो यहाँ से ब्रेन में नहीं जाती है, यहाँ से सांस अंदर जाके नीचे हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे से 3 नाड़ियाँ जा रही है, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला। ईड़ा पिंगला के द्वारा प्राण ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी से ऊपर होकर के, गर्दन से होकर के यहाँ ब्रेन तक जाती है, ब्रेन को सप्लाई होती है और
बीच में जहाँ हम बेंड हो जाते हैं वहाँ ऊर्जा वो वहीं रुक जाती है, कठिनाई से रास्ता बना करके जैसे कैसे पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, तो जहाँ वो रुक जाती है वहाँ पे आपको रोग होता है। दूसरा कारण, हमारे सिर के सिरे से प्राण ऊर्जा आ रही है, सिर के सिरे से ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, ये हमारा चैनल है सहस्रार, तो वहाँ से आकर के पूरे बॉडी की एक एक सेल में पहुँचती है, लेकिन फिर हम जहाँ झुक जाते हैं वहीं पर वो रुक जाती है, आगे पास नहीं हो पाती। तो हमेशा हमारा आसन सीधा होना चाहिए, जब भी आपकी पीठ झुक जाए पुनः सीधी कर लो। इसके लिए बेस्ट है सामायिक में पद्मासन, पद्मासन में कमर झुकती ही नहीं, उसका अभ्यास शुरू करो, दो दो मिनट से शुरू करो, तीन तीन मिनट से। ध्यान शिविर में आते हो तो हम आपको छोटे छोटे आसन कराते हैं, वो आसन का प्रयोजन क्या है, इससे आपके शरीर का आसन सिद्ध हो जाए। एक आसन में 3.5 घंटे बैठने का आपका अभ्यास हो जाए, ऐसा अभ्यास आपने करना है। धीरे 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 शुरू करते जाओगे, साल दो साल में आप आराम से 2 घंटे 3 घंटे तक भी, इधर से बाहर से आसन सिद्ध करना है, अंदर से अपनी आत्मा का ध्यान करना है, तो इससे आपको आसन सिद्धि। आकुंचन प्रसारण दोष, पुनः पुनः शरीर को संकोचना फैलाना, बार बार शरीर को हिलाना दुलाते नहीं रहना, कभी इधर पाँव किया कभी इधर किया, उस ये लोग कौन करते हैं, जिनके शरीर में या तो रोग है या मन में चंचलता है, तो चंचलता आपको शरीर पे दिखती है कि आप कहाँ खड़े हुए हो। आलस्य दोष, बैठ करके जम्बैया लेना, अंगों को मरोड़ना मटकाना, ये सब आलस्य के प्रतीक है, तो सामायिक में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करना। मोड़न दोष, अंगुलियों के अंगों को मटकाना आदि। मल दोष, शरीर पर से मैल उतारना, खुजली करना, कदाचित खुजलाना आवश्यक हो तो शरीर की प्रतिलेखना करके करना, यानी सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई इतनी अति प्रॉब्लम है तो पहले जहाँ खुजली करने जा रहे हैं उस अंग पे देखो, वहाँ पे कोई जीव जंतु तो नहीं चल रहे हैं, आपने ऐसे अनजान में किया और वहाँ पे कोई चींटी चल रही है, कोई और जीव चल रहा है तो मर जाएगा, तो उसका विवेक रखना। विमासन दोष, शोकातुर चिंतातुर अवस्था में बैठना, जैसे कुछ लोग मस्तक पर ऐसे हाथ लगा करके बैठते हैं, जैसे किसी का कोई हो गया है, तो उस तरह से शोकातुर आसन में नहीं बैठना। चिबुक पर हाथ रखकर किसी चिंता विशेष में ना, सामान्य रूप से आज चला गया अलग बात है, लेकिन ऐसे चिंतन करके चिंता की मुद्रा में जाकर के बैठा है तो वे ये सब विमासन दोष। निद्रा दोष, सामायिक में निद्रा लेना निद्रा दोष है, सामायिक में ध्यान में नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आई तो वो समय प्रमाद में गया। प्रमाद क्या है, बंधन का कारण है, निर्जरा का कारण है, संयम गोयम माप माए, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। व्यावच दोष, सामायिक करते हुए दूसरों से अपने शरीर की व्यावच करना, स्वस्थ हो शरीर ठीक है तो किसी का व्यावच कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई तपस्या है कोई बीमारी है कोई विशेष है तो दूसरा सामायिक वाला हो उससे ही कराना, सामान्य व्यक्ति से नहीं करना। उपरोक्त काय के 12 दोष तथा पूर्व कथित मन वचन काय के 10 दोष, इस प्रकार सामायिक के कुल 32 दोष हैं, इन दोषों से दूर रहकर की गई सामायिक की शुद्ध सामायिक है। सामायिक की जो पारने की विधि है उसमें अपन ये बोलते हैं 10 मन के 10 वचन के 12 काय के 32 दोष लगो, तो ये दोष है क्या इसको जाने और उपयोग सहित विवेक पूर्वक इनको टालने का ध्यान रखें। सामायिक आपकी बहुत बड़ी साधना है, इसके माध्यम से आप परमात्मा तक बन सकते हो। क्या बन सकते हो, 2 घड़ी के लिए सारे संसार को कट करके आप साधु बन गए 2 घड़ी के लिए, और साधु की तरह रहना है, और साधु का काम क्या है, साधना करना। साधना किस लिए करते हैं, कर्म निर्जरा के लिए, आत्मा में छिपे परमात्मा को प्रकट करने के लिए। तो 2 घड़ी सामायिक में अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ जुड़ना है। तो 4 विश्राम कौन से हैं, पहला विश्राम, जिस प्रकार श्रमिक बोझा उठाकर चलता है मार्ग में इस कंधे से उस कंधे पर लेता है, वैसे श्रावक का आजीवन के लिए 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 8 व्रत स्वीकार करे। 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत या 8 व्रत स्वीकार करे तो पहला विश्राम हुआ, क्योंकि अनादिकाल के मिथ्यात्व के कारण कर्म आश्रव लगातार आ रहे हैं, उसको रोकने का रास्ता क्या है, तो 5 अणुव्रत मूल 5 महाव्रत लिए, आपने 5 अणुव्रत लेना और साथ में 3 गुणव्रत दिशाव्रत उपभोग परिभोग और अनर्तन, इन 8 व्रतों को लेने से आपको पहला विश्राम मिलता है।
दूसरा विश्राम, जैसे श्रमिक किसी ओटले पर बोझा रखकर थोड़ी देर विश्राम ले लेता है, एक मजदूर 25 किलो 30 किलो वजन लेके जा रहा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आधा किलोमीटर चला और थक गया तो कोई जगह देखता है, वहाँ पे उस वजन को रख देता है, थोड़ी देर विश्राम लेता है। अब नवा व्रत श्रावक का, इस व्रत में हम 2 घड़ी के लिए सारे संसार के वजन को साइड पर रख देते हैं, न दुकान की चिंता, न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, न शरीर की चिंता, सब चिंताओं से मुक्त होके आत्मा में लीन। लेकिन जैसे ही सामायिक से बाहर आते हैं तो वो सारा संसार का बोझ फिर से उठाना पड़ता है, तो नवे व्रत में हम थोड़ी देर के लिए विश्राम लेते हैं। तीसरा विश्राम, नवे व्रत में सामायिक करें और दसवें व्रत में 14 नियम को चितारे प्रतिक्रमण करें, ये सब दूसरे विश्राम। तीसरा विश्राम, जैसे श्रमिक किसी यक्ष आदि के मंदिर या धर्मशाला में रात्रि को विश्राम करता है, लंबी यात्रा है, आजकल तो ट्रेनें आ गई, पुराने समय पैदल यात्राएं थी, तो बीच में कोई गांव आ गया, कोई मंदिर आ गया, जैसे हम लोग साधु लोग विहार करते हैं तो फिर 2-4 घंटे चलते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई स्थान ढूंढते हैं, किसी का घर, कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, वहाँ एक दिन के लिए विश्राम करते हैं, फिर आगे। ऐसे आपको एक दिन का विश्राम कब मिल सकता है? छुट्टी के दिन। कब छुट्टी है आपकी? अष्टमी, चौदस, पक्षी, इन दिनों में प्रतिपूर्ण पोषण करना है ना, उस पोषण में हम क्या करते हैं, एक दिन के लिए सारे संसार को विश्राम दे दिया, सब आश्रम का। श्रावक जो पहले थे ना उनके लिए संडे नहीं था, संडे तो क्रिश्चियन लोगों ने भेजा यहाँ पे, हॉलीडे, पवित्र दिन, उस दिन वो सुबह सुबह क्रिश्चियन लोग जाकर के संडे को नमस्कार करते, आज पूरा देश संडे वाला हो गया, जबकि हमारे यहाँ हर अष्टमी को सब काम से, संसार के कामों से, आश्रम से छुट्टी होती थी और पौषधशाला में जाकर बैठ जाते थे, फिर चौदस या पक्षी के दिन सारे संसार से छुट्टी करके पौषधशाला में बैठ जाते, उस दिन कोई आरंभ समारंभ नहीं करते। विश्राम का मतलब क्या है कि हम संसार के आश्रम से मुक्त होकर के। तीसरा विश्राम जो है श्रावक का 11वां व्रत, 8वां 14वां पक्षी पोषक दया करें और 12वें व्रत में योग मिलने पर साधु जी का सुपात्र दान दें। 11वां 12वां व्रत जो है आपका तीसरा विश्राम है। पहला विश्राम 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत, दूसरा विश्राम 9वां सामायिक व्रत और तीसरा विश्राम 11वां 12वां व्रत। 11वें व्रत में पोषण करें और 12वें व्रत में अवसर आने पर साधु महाराज को सुपात्र दान दें और दया आदि करें। और चौथा विश्राम, जैसे श्रमिक को जहाँ बोझा रखना है उस स्थान पर पहुँच जाता है तो बोझा उतार देता है, मंजिल मिल गई। अब हमारे इस काल की मंजिल क्या है कि जब श्रावक जी का समय आ गया, किसका आयुष कर्म पूरा होने का समय आएगा, इस भव की यात्रा पूरी होने वाली है, तो कैसे शरीर को छोड़ना, एक है बाल मरण, एक है पंडित मरण। पंडित मरण में ज्ञान पूर्वक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि करके भेद विज्ञान के साथ शरीर को बोसरे बोसरे कर देता है, जब तक आयुष कर्म पूरा नहीं हो तब तक मैं अनशन में रहूँगा। वो अनशन कौन सा है? आमरण अनशन। एक है अभी जो अनशन कर रहे हैं बहने, उपवास तपस्या कर रही है, ये समय काल के लिए निश्चित है, इतने समय तक करेंगे और पार लेंगे, लेकिन वो जब तक आयुष कर्म पूरा नहीं हो तब तक के लिए वो आजीवन के लिए संथारा, उसका नाम संथारा है, वास्तव में इसको हम पंडित मरण कहते हैं। तो ये 4 विश्राम है श्रावक के। आप सभी इन 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत को ग्रहण करें और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें और रोज भावना भाएँ कि अंतिम समय जब भी मेरा शरीर छूटे तो मैं समाधि के साथ अपने शरीर को छोड़ूं, पंडित मरण के साथ छोड़ूं, ऐसे रोज भावना भाएँ। आंखें बंद, अपने भीतर गहरे मौन में चले जाएं, मन वचन काया बुद्धि से भिन्न तुम एक शुद्ध आत्मा हो, ये आत्मा सदा काल आपके साथ में था, है, रहेगा। किसी गति किसी योनि में चले जाओ, आत्म तत्व तुम्हारे साथ, उसका स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो मन कहाँ कहाँ जा रहा है, मन ने कितना दास बनाया, 5 इंद्रियों 23 विषय ने कितना संसार में घुमाया, बुद्धि कहाँ कहाँ ले जा रही है, उसका स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो मन कहाँ कहाँ जा रहा है।
मन ने कितना दास बनाया, पांचों इंद्रियों 23 विषय ने कितना संसार में घुमाया, बुद्धि कहाँ कहाँ ले जा रही है। आप केवल शांत होकर के मन को देखो और जानो, मन क्या कर रहा है। प्रतिपल प्रतिक्षण विचार आते हैं चले जाते हैं, कोई विचार तुम्हारा नहीं, कोई संस्कार तुम्हारा नहीं, बुद्धि तुम्हारी नहीं, देह भी तुम्हारा नहीं, परिवार धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये भी पुण्य और पाप का खेल है, तुम्हारा नहीं है। जिसको आज तक तुमने माना वो तुम्हारा था ही नहीं, ये केवल मिथ्यात्व के कारण देह को अपना मानता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। केवल आत्मा को जानो और देखो, जो हो रहा है इस पूरी सृष्टि में जो हो रहा है तुम कुछ बदल नहीं सकते, तुम अपने को बदल सकते हो, अपने को जान सकते हो, अपनी गहराई में आ सकते हो। देह की पकड़ को कम कीजिए, अपने स्वभाव को जाने, उसमें स्थित हो जाएं। मन मानस में प्यार उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल हो, रोम रोम पुलकित उठे सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आँखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्यानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम आहिंसा संयमो तवो देवावितंग, नमंग संति जस धम्म श्यामनो चैताभारंग वासंग चकवट्टी मेडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मानोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण दुखरण जगत में आरण शरण कोई होगा जो भवे प्राणी उसे काया जर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल।